360 व्यू आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये पूरा फ्लैट ग्राउंड, सामने सबसे जो हाईएस्ट पीक दिखता है दैट इज कामेत, दैट इज अवलांच पीक। ये पूरा नीचे अपना वैली, अपना कालिंदी पास। फाइनली हम लोग गंगोत्री धाम से निकल चुके हैं भोजवासा की तरफ। सो गाइस फाइनली हम गंगोत्री नेशनल पार्क की जो चेक पोस्ट है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और अभी हमारे परमिट्स चेक होंगे एंड फिर हम परमिट्स चेक करवा कर आगे बढ़ जाएंगे। ये देख सकते हैं आप गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान प्रवेश द्वार, गंगोत्री नेशनल पार्क में आपका स्वागत है।
सो फाइनली गाइज आज हम पहुंच गए हैं भोजवासा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा टेंट लगा हुआ है। वो आप देख सकते हैं सामने भागीरथी मैसिव है, पूरा ढका हुआ है बादलों से। तो फाइनली हमारा रैप अप हो गया यहाँ से, देन अब हम लोग जा रहे हैं आज नंदन वन। सो पूरा सामान हमारा रैप अप हो चुका है, ये हमारी टीम देख सकते हैं पीछे भागीरथी मैसिव। ऊपर एक व्हील टाइप लगा दो। तो अभी हम लोग गोमुख पहुंच चुके हैं, टीम यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठी हुई है। आपको दिखा देते हैं गोमुख कैसा है। तो सामने देखिए गोमुख की आइस वॉल है, ये अपनी टीम बैठी हुई है पूरी, सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं, खा पी रहे हैं थोड़ा बहुत। हाँ भाई, हाँ जी, तो जो गौमुख, जैसा आपको पता है गौमुख नाम इसलिए पड़ा था, गाय का तो मुंह है गौमुख उसकी तरह था। तो 2015 में ये था और अभी आप ये लगाइए हर साल यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस चली हुई है, काफ़ी लैंडस्लाइड, काफ़ी रॉकफॉल हो रहा है। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे ये पूरा नील ताल था, नील पे पूरा नीचे आ चुका है। अदरवाइज पहले रास्ता वहाँ पे लेफ्ट साइड से था, अभी ये पूरा रास्ता चेंज हो गया है। तो जहाँ से इसके ऊपर क्रॉस करके आज हम नंदनवन निकलेंगे, इसके ऊपर से यहाँ से पूरा गंगोत्री ग्लेशियर स्टोर होता है। और ये भागीरथी का स्नाउट है, स्नाउट इज बेसिकली जहाँ से रिवर या फिर ग्लेशियर का एंड पॉइंट, यहाँ से ये शुरू होता है। और ये अपना गौमुख है जो कि काफ़ी चेंज हो गया है, मतलब गौमुख देख नहीं रही, बट ये ओरिजिनल भागीरथी नदी का जो आगे मिलके बहुत सारी स्ट्रीम से मिलके अपनी गंगा बनती है। रुद्रप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है, फिर वहाँ पे वो बनती है गंगा। Thank you.
गाइस दिस इज गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। एक्चुअली उद्गम तो गोमुख से होता है, जो हम पहले बता चुके हैं, पर ये पूरा ग्लेशियर का पानी भागीरथी में ही जाता है, गंगोत्री ग्लेशियर। फाइनली नंदन वन से रैप अप करते हुए टीम पूरी, प्रशांत भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? बस आज के लिए तैयार हैं। आज के लिए तैयार हैं। अभी तक का सफर कैसा रहा? ट्रेलर कल दिखाया गया था, सोच रहे कि मूवी वैसी ना हो। तो आज अपना डे फोर है, आज अपना हम नंदनवन से जा रहे हैं वासुकी ताल, ये है 6 किलोमीटर के आसपास और हमें टाइम अराउंड लगेगा 5, एवरेज टाइम इज 5 आवर्स। और आप ये पीछे देख सकते हैं, ये राइट साइड जो अपना है ये पूरा भागीरथी मैसेज है, पीछे भी ये 2 है, ये 1 है, सॉरी 3 है, पीछे 1 छप चुका है। और वो पीछे का पिक आपको देखिए, दैट इज खर्चकुंड, उसके बगल में जो डोम शेप है दैट इज खिताड़ डोम, ये काफी स्की डाउन के लिए काफी फेमस है। और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन शिवलिंग, शिवलिंग की हाइट है 6543। ओके गाइस, तो अभी हम ऑन द वे हैं अपने आज के फोर्थ डे के डेस्टिनेशन पे, जो कि वासुकी ताल है। तो अभी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं रास्ते का, ये जो आपको हल्का सा फ्लैट ग्राउंड सा दिखा है, दैट इज अपर नंदन वन, दैट इज ऑल्सो द बेस कैंप ऑफ दिस भागीरथी 2। तो भागीरथी जो क्लाइंब करता है आपको दिख रहा होगा यहाँ से, फिर राइट जाके कैंप, एडवांस कैंप, कैंप 1, कैंप समिट कैंप एंड वो, और उसके बाद वो जो आपको पीक दिख रही है दैट इज वासुकी पर्वत, वासुकी पर्वत के जस्ट नीचे वासुकी ताल है, और उसके पीछे आपको जो पीक दिख रही है दैट इज चंद्रा पीक। चंद्रा पीक था कि इनको जो सबसे पहले क्लाइम किया था वो अपनी उत्तराखंड की एक फीमेल इंस्ट्रक्टर थी, उनका नाम चंद्रा था, उनके नाम पे चंद्रा पीक पड़ा है। और फिर ये जो आपको रिज दिख रहे हैं रिज के, वहाँ से जाकर फिर नीचे उतर के फिर हल्का सा आप लेके वासुकी ताल आपका आ जाएगा। और बैक साइड में आप देख सकती हैं शिवलिंग, वही आपकी लास्ट वो दिख रहा है, और शिवलिंग के जस्ट बगल में जो आपको दिखे दैट इज द फेमस शार्क फिन ऑफ मेरू, और मेरू के बगल में जो पीक है दैट इज मेरू, जो पूरा व्हाइट आपको दिख रहा है। Yeah.
और ये यहाँ पे ललित यादव वासु की ताल की वॉल को नेगोशिएट करते हुए और काफी हैवी बैग। सिगरेट आ गई मेरी, और मेरी सिगरेट आ रही है। काफी रिस्की, बहुत सारे रॉक फॉल। टाइट 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 विले टाइट। तो फाइनली हम लोगों ने क्लाइम कर लिया है वासुकी ताल वाली चढ़ाई और अभी हम वासुकी ताल से ऊपर अभी नीचे जाएंगे कैंप साइट पर। देख सकते हैं के पीछे वासुकी पर्वत ऊपर और ये अपनी पूरी टीम। फाइनली पहुंच चुके हैं सारे टीम को लेके हम लोग वासुकी ताल और अभी यहाँ पर बैठकर सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं और टीम अभी टेंट्स वगैरह पिच कर रही है, देन उसके बाद कुछ खा पी के रेस्ट वगैरह करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तो फाइनली रैप अप हो गया हमारा यहाँ से। Did you walk towards Kalindi from the spot?
So this is the route towards Khadapathar, and we are like 1 hour before Khadapathar. यहाँ से एक घंटे में हम Khadapathar पहुँच जाएंगे और रास्ता काफ़ी बोल्डर्स मोरेन वाला है. तो फाइनली Khadapathar कैंप साइट आ गए. हाँ जी कमल भाई, कुछ कहना चाहेंगे? बस कैसा रहा अभी तक? बढ़िया रहा. बढ़िया, मजा आ रहे? मजा आ रहे. चलो अच्छा, ये आ गया हमारा मेंबर, पीछे रह गया था थोड़ा सा, आज इसकी तबीयत खराब है पर अभी देखो चेहरे पे मुस्कान है. ये हमारी पोर्टर टीम लोग बहुत ही मेहनत करते हैं पूरा दिन भर. बाद में डालेंगे. ये लोकराज दाई कुछ बोलेंगे? लोकराज दाई ना ना कुछ नहीं बोलना है बस. अरे यार ऐसे बहुत बोले. नहीं नहीं अभी जिसकी भाई वो तो मैं वो कर दूंगा ना इसमें. ये देखिए लो इधर सबका है वो ले लो ना. सबके बना रहे हो YouTube पे? ना ना इंट्रोडक्शन कर लो सबका, इसी में तो ही मजा रहता है. 29 आदमी को इंट्रोडक्शन कराऊं? अरे सब बढ़िया है वो, इंट्रोडक्शन क्या करना है. Khadapathar में पहुंच गए. I'm not afraid to be alone.
glacier. Now we are small stream right up, which is coming from the glacier itself. पैकिंग चालू है हमारी।
भाई मैं गूगल अर्थ पे जाके सर्च करूंगा ये कौन सा पास है कहाँ निकलता है, उसके बाद सर रिसर्च करने के बाद आता है इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ईयर। दादा आराम आराम चलते रहे। ये पवन भाई आते हुए प्रशांत भाई मजे आ रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। चलिए चलिए चलते रहिए, बहुत ही बढ़िया शानदार नजारा। अभी जैसा आप देख सकते हैं हम लोग अभी कालिंदी खाल बेस कैंप पर हैं, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था। लकीली हमें टेंट्स वगैरह लगे हुए मिल गए थे, तो बाकी देखते हैं कल कैसा रहेगा मौसम, उस हिसाब से प्लान करते हैं। बफर डे हमारे पास है। अभी आप देख सकते हैं सुबह 5 बजे का टाइमिंग था हमारा निकलने का, बट अभी 6:30 बज चुके हैं और अभी भी स्नोफॉल चालू है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि अगर 1-2 घंटे में मौसम खुलता है तो हम लोग आज ही मूवमेंट करेंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है।
आज एक्चुअली हम लोगों का पास डे था और हम लोग निकलने वाले थे 5 बजे और अभी 8 बज चुके हैं क्योंकि आज स्नोफॉल हुआ है काफ़ी, तो हम लोगों ने थोड़ा सा हॉल्ट पे रखा था कि मौसम क्लियर हो जाएगा तब निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी मौसम क्लियर हो चुका है पर बादल लगे हुए हैं ऊपर, क्योंकि सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग ठीक हैं, फिट हैं, एकदम मज़े में हैं। फाइनली मौसम हो गया क्लियर, बस अब निकलने की तैयारी हो रही है हमारी, बस 15 मिनट में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। सामने पास कालिंदी खाल, हमें उसी टॉप पे जाना है और वहाँ से डिसेंड करना है। गरम हो रहा भयंकर गरम, तो बढ़िया सर। सर आप चश्मा से अगर चलना चाहें आपके बैग में रखूं? हाँ फॉलो करके आगे। हमारे दोनों जवान, इसमें भी गर्मी लग गई है मुझे, ये काटना पड़ेगा शॉट। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा वाइट आउट हो चुका है और विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम है, ना के बराबर, और स्नोफॉल भी स्टार्ट हो चुका है।
फाइनली हमारी टीम 11:30 बजे टॉप पे पहुंच गई है। किसके हैं ये? बहुत ही शानदार मौसम कह सकते हैं इसे। देख सकते हैं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वाइट आउट और स्नोफॉल चारों तरफ देख सकते हैं आप। पूरी टीम पहुंच गई है टॉप पे। यार लोकराज दाई हमारे कुछ बोलेंगे? लोकराज दाई है ना, सब ठीक? सभी हमारी दाई पार्टी बहुत मेहनत की इन लोगों ने। देखो कुछ नहीं दिख रहा है पीछे। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग जो है कालिंदी टॉप से राज पड़ाव के लिए उतरना शुरू कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा वाइट आउट ही वाइट आउट है, कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ भाई लोग अगली बार आओगे फिर से? आएंगे आएंगे जून में। मस्त है, बढ़िया बढ़िया। और कालिंदी का हीरो हम तो है। हाँ और क्या यार, तुम लोगों के बिना तो कुछ भी नहीं है। नहीं आप लोग का बिना तो हमारा कुछ नहीं है। सब टीम के साथ ही सब कुछ होता है। पैकिंग हो गई है हमारी, अब हम निकलेंगे। कितने बाहर पे मोबाइल यार है? ऑल वाइट आउट एंड अभी हम लोग जा रहे हैं हरवत और फिर प्रशांत आ जाओ, आज ललित के हाथों खाना मिलेगा।
बारिश में पत्थरों पे चलना ही मुश्किल है। नहीं थोड़े स्लिप हो रहे हैं एक्चुअली, मेरे को लगा एक दो पे, तो थोड़ा सा ध्यान दे के चलना पड़ रहा है। चलो फाइनली गस्तोली पहुंच गए हैं हम लोग, और सक्सेसफुल रहा हमारा इतने गंदे मौसम में भी। सभी को बधाइयां, फाइनली धन्यवाद।